हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के 1 बज रहा है, तो बैठ के पढ़ रहे थे। और अभी मौसम लखनऊ का बहुत ही अच्छा हो गया है, जो कि बारिश वगैरह हो रही है। तो आपसे हम बताते हैं कि जिस दिन पेपर नहीं रहता है उस दिन का मौसम बहुत अच्छा रहता है, और जिस दिन पेपर रहता है उस दिन पूरी तगड़ी धूप। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए मौसम, बजा लो भैया आप हॉर्न पहले। ये देखिए मौसम, बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप कैमरे में भी दिख रहा है, और ये देखिए बारिश हो रही है हल्की हल्की, और हवाएं भी चल रही हैं काफ़ी अच्छी। काफ़ी दिन बाद ऐसा मौसम लखनऊ में मिल रहा है, और काफ़ी दिन बाद ऐसा मौसम मिल रहा है बारिश वाला कि दोपहर के 1 बजे धूप नहीं है और ऐसी हवाएं चल रही इतनी अच्छी और बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कल अगर पेपर नहीं रहता तो अब तक तो निकल लिए होते कहीं ना कहीं घूमने के लिए, और कल लास्ट पेपर है, बस देने के बाद देखते हैं कहीं ना कहीं निकलेंगे। और आज अब बारिश तेज़ होने लगी काफ़ी, तो अंदर चलते हैं। और मौसम काफ़ी सही हो गया है, तो काफ़ी तेज़ होने लगी बारिश। और आज मंगलवार है तो शाम को मंदिर जाएंगे ही, तो हनुमान जी का दर्शन आप लोग भी करिएगा। तो इतना अच्छा मौसम हुआ है कि बस कहीं बाहर निकल लें घूमने के लिए, पर थोड़े कुछ टॉपिक्स बच गए थे जिनको क्लियर कर रहे हैं। तो अब तो मौसम भी इतना अच्छा हो गया, अब नीरज भैया थोड़ा चाय वगैरह बस बना दें, तो बस पढ़ते रहें, मौसम ऐसा एकदम बढ़िया होता रहे, और क्या ही चाहिए। ये देखिए अभी बारिश पूरा मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ हो रही है, और बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि भीग जाएंगे। और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, और पढ़ाई कुछ हद तक कंप्लीट हो गई है, और मौसम बाहर का भी अच्छा है, तो बस अभी निकलेंगे मंदिर जाने के लिए हनुमान जी के। और आज साथ में नीरज भैया भी जाएंगे, बोल रहे थे भैया हम भी चलेंगे, हम कहें चलिए। तो बस अभी और दिखाते हैं आपको कि बाहर का मौसम कैसा हो रखा है इस टाइम। फ़िलहाल अभी तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो काफ़ी तेज़ नहीं है, और मंदिर कोई बहुत दूर तो नहीं है। पर आज एक नीरज भैया बता रहे थे कोई एक नए मंदिर पे चलने के लिए, तो देखते हैं अभी जैसा होगा मौसम उस हिसाब से चलेंगे। बस अब रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं मंदिर के लिए, बस हेलमेट वगैरह ले लें और निकल रहे हैं। नीरज भैया भी नीचे हैं, और तो ये है हनुमान जी का बहुत ही पुराना मंदिर अलीगंज में, काफ़ी मान्यताएं हैं यहाँ की। तो अभी यहाँ जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, फिर मिलते हैं दर्शन करके। अभी अभी दर्शन करके निकले हम लोग, नीरज भैया और हम हैं। और यहाँ पे मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत ताल है, पानी थोड़ा गंदा है क्योंकि रुका हुआ पानी है, पर ये चीज़ अच्छी नहीं है, इन लोगों को गंदगी नहीं ऐसी करनी चाहिए। जो लोग आते हैं अपना प्लास्टिक ऐसे फेंकते हैं। बाकी काफ़ी देवी देवताओं का मंदिर है, बहुत बड़ा ये आश्रम है, और यहाँ सभी 9 ग्रह लोगों का है। यहाँ महादेव जी हैं, शिव शंकर महादेव, भोलेनाथ का ये मंदिर है। और इसके बाद नीरज भैया बता रहे हैं कि कोई एक और मंदिर है वहाँ ले चलने के लिए। तो बस अब यहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं। नीरज भैया आज एक और नया मंदिर बता रहे हैं हनुमान जी का ही, कोई छांछी कुआं करके है लखनऊ में, पुराने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के आसपास। तो बस अब निकल रहे हैं वहाँ पे, और इसके बाद फिर हनुमान सेतु जाएंगे, आपको पता ही है। तो मिलते हैं छांछी कुआं मंदिर पे। अब पहुँच गए हैं छांछी कुआं मंदिर, और आपको हम ले चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। तो जिस मंदिर पे हम लोग आए हैं छांछी कुआं, तो ये है कुआं, कुएं को अभी बंद है। और यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए, इस कुएं से छांछ निकला था, तो इस वजह से छांछी कुआं इस मंदिर का नाम हुआ था। तो अभी हनुमान जी का दर्शन कराते हैं, आप लोग भी दर्शन करें। और नीरज भैया बता रहे हैं यहाँ से मूर्ति भी निकले थे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये है यहाँ से हनुमान जी, बाहर से कुछ ऐसा है छांछी कुआं मंदिर, पुराने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के पीछे है। तो अभी पहुंच गए हैं हनुमान सेतु,
जो कि हर मंगलवार शनिवार को आते हैं। अब यहाँ दर्शन करेंगे और इसके बाद फिर नीचे संकट मोचन मंदिर, फिर रूम पर। अभी हनुमान सेतु दर्शन कर चुके हैं और अब जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान जी, जो हनुमान सेतु के नीचे गोमती नदी के पास है, वहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद निकलेंगे रूम पर। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ऐसा है, ऊपर हनुमान सेतु जी हैं और ये गोमती नदी के जस्ट बगल में अंदर जहाँ नीम करौली बाबा जी का आश्रम है, वहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो अभी चल रहे हैं हनुमान जी के यहाँ और इनका दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। दर्शन हो गया यहाँ भी संकट मोचन। तो अब निकल रहे हैं रूम के लिए और आज स्वयं हनुमान जी मिले हैं, तो चलेंगे अब इनकी पूजा पाठ भी करेंगे और चल रहे हैं रूम पे। दर्शन वगैरह कर लिए हैं, अब निकल रहे हैं रूम के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।